सर जी, आपका फेवरेट लीडर कौन है और इसकी क्या खासियत है जिसको आप लीडर मानते हैं? इस वक्त का सरदस्त तो कोई भी फेवरेट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमने नवाज शरीफ को अपना फेवरेट माना था तो वो लोग भी काम तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन जिस तरह के ये बाहर चले जाते हैं ना, तो कौम में फिर हमें कोई जवाब देने के लिए कोई सवाल जवाब लफ्ज़ नहीं मिलते कि किस तरह दिफा करें इनका। बाकी इमरान खान के ऊपर हमने तवक्को की थी कि ये आके करप्शन ख़त्म करेगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएगा, लेकिन वही दाग के दो पात, वो जितने भी सारी पार्टियों के गंदे अंडे थे सब इसने अपने नीचे इकट्ठे कर लिए। जो इसकी पार्टी में आ जाता है उसके नैब के केस भी बंद हो जाते हैं, और जो दूसरी पार्टियों में होता है उनके पीछे नैब लगी हुई है। यानी ये अभी तक ट्रैक्ट और उसके ऊपर ही ट्रेलर के ऊपर ही खड़े हैं, इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, दो साल हो के चले हैं, बस बातें ही हैं सारी। और अभी तक पिछली हुकूमतों को कोसते रहना, ये कोई तरीका है हुकूमत करने का? अच्छे पढ़े लिखे माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड के हैं ये, अभी तक इनको ये नहीं समझ आई कि मैंने डिलीवर करना है। फॉरगेट अबाउट द ओल्ड पीपल, व्हाट एवर दे डिड व्हाट यू डिड विद इन योर टाइम। तो इसको कुछ करना चाहिए आवाम के लिए, वो जो इसने वादे बुलंद बांग किए थे वो कुछ ना कुछ तो पूरे करे। तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं किसको कहूँ अब अपना लीडर। मैं जिनको लीडर समझता था उनके अंदर इतनी दिलेरी नहीं है, वो बार भाग जाते हैं, हालात का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। तो बींग ऑनेस्ट, तो वैसे वो मेरे लीडर थे मुस्लिम लीग नून वाले इन हालात में, लेकिन अब मैं किसको लीडर कहूँ? लीडर तो वो होता है ना जो जम के मुकाबला करे बुरे हालात का। और ठीक है, उन्होंने बहुत किया पाकिस्तान के अंदर। जब मैं पाकिस्तान में 14-15 साल बाद वापस आया हूँ अमेरिका से, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं कंस्ट्रक्शन की और बिल्डिंगों की और शहरों में। वो काम वो कर गए, ये जो किया उन्होंने मोटरवेज और ये सारी चीज़ें, उनकी उनको तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। तो बाकी जो है उनके अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि वो जेलों का, मुकदमात का, इन चीज़ों का सामना कर सके। लेकिन इमरान खान को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो कुछ ये कर रहा है ना, तो इस दिन इसके ऊपर भी एक वक्त आना है, और जो इसके बास्केट के जितने भी ये अंडे हैं ना गंदे, जो दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं, ये भी एक दिन सब भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे सारे परिंदे। और अल्टीमेटली जो मुकदमा, जो जेलें दूसरों के लिए हैं, फिर ये लोग वहाँ पे होंगे। ओके, थैंक यू।